दोस्तों, अनहद की इस श्रृंखला जो लाइव चलती है फेसबुक के माध्यम से, उस पर आपका स्वागत है। आज की इस वर्चुअल सेमिनार में जो विषय हैं वो भारत के सांप्रदायिकीकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडिया पर है, और मैं इसी के एक पहलू को लेकर बात करूंगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, आज हमारे पास चार वक्ता हैं, उसमें से एक मुद्दे पर मैं अपना ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब आज हम जिस महामारी के दौर में गुजर रहे हैं, ये एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारत में ये दुर्भाग्य और ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इस कोरोना की महामारी में भी सांप्रदायिकता ने अपने बीज ढूंढ लिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी घटनाएं हुई, ट्रम्प साहब अमेरिका से आए, एक सिख प्रचारक यूरोप से आए, एक गायिका विदेश से आई, ये सब लोग आए, पर किसी पर कोरोना के फैलाने का दोष नहीं हुआ। उस समय दुनिया में कोरोना फैल रहा था, WHO ने वार्निंग दे दी थी कि कोरोना एक भयंकर महामारी का रूप ले रहा है दुनिया भर में, पर दोष किसको दिया गया? दोष दिया गया तबलीगी जमात के लोगों को, जिन्होंने पूरी परमिशन के साथ निज़ामुद्दीन के में अपने हेड ऑफिस में 13 से 15 नवंबर में ये सेमिनार की। कितने आश्चर्य की बात है दोस्तों कि इसमें भी एक सांप्रदायिकता का ये ढूंढ लिया गया। दूसरी एक दुखद घटना मेरे सामने आई कि बम्बई के पास पालघर के पास के गांव में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दो साधुओं की हत्या की गई, और मीडिया का एक सेक्शन, मीडिया का एक तबका टूट पड़ा कि ये हिंदू संतों की हत्या हुई है तो निश्चित रूप से मुसलमानों ने की होगी, और उसमें फिर सब लोगों को लपेटने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। यहाँ तक दोस्तों कि इसी के साथ साथ फेक न्यूज़ ने अपना असर दिखाना चालू किया, और सोशल मीडिया का वो तबका जो नफ़रत के आधार पर जीता है, उस फेक न्यूज़ ने इसको और बढ़ावा देकर यहाँ तक कर दिया कि ये अल्पसंख्यक लोग, ये मुसलमान, ये थूक कर कोरोना फैला रहे हैं, ये कोरोना वायरस इनके माध्यम से है, ये जिहाद, कोरोना जिहाद करने वाले हैं, कोरोना बम बनाए जा रहे हैं इनसे, और इसी के तहत ये बात यहाँ तक आ गई, जो एक बहुत निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए, उनको अपनी सोसाइटी में मत आने दीजिए, उनसे खरीदिए मत, उनसे ये मत कीजिए। तो ये देख कर कई बार मुझे याद आई कि जर्मनी में भी जब बड़ा होलोकास्ट हुआ था, वो एक दिन में नहीं हुआ था। होलोकास्ट की तैयारी बहुत भयंकर तरीके से लंबे दौर में होती है। कोई बेगुनाह लोगों को इस प्रकार से मारना एक दिन में संभव नहीं होता, पहले नफ़रत फैलाई जाती है। याद रखिए, नाजी जर्मनी में भी यहूदियों को के ख़िलाफ़ कहा गया कि ये लोग टाइफस फैला रहे हैं, इनका बहिष्कार करो। और आज वैसे कुछ दिख रहा है कि भारत में मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार किया जाए, इनको अपनी सोसाइटी में नहीं आने दिया जाए, इनके करीब मत जाया जाए। ये इतनी दर्दनाक बातें उस देश में हो रही हैं, उस देश में हो रही हैं जहां 100-150 साल तक गंगा जमनी तहजीब के चलते हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलकर खाते थे, पीते थे, त्यौहार मनाते थे, और ये उस देश में हो रही है जहाँ प्रायः दुनिया के सभी देशों का प्रतिनिधित्व रहा है, और जहाँ दुनिया के अलग अलग धर्म के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ जिया है। तो ये आज जो मीडिया के माध्यम से, एक टीवी का तो एक मीडियम है जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, खैर मैं तो उनको ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, सुनता हूँ किस प्रकार से वो नफ़रत फैलाते हैं, फिर उसी के साथ एक सोशल मीडिया जुड़ गया है, फिर सुना है बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों ट्रॉल्स को एम्प्लॉय किया गया है, पैसा देकर एम्प्लॉय किया गया है कि आप नफ़रत फैलाओ, हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाओ, या उसको और स्पष्ट रूप से कहूँ तो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाओ, इसके लिए हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। तो ये तो एक मीडिया की बात है, ये तो एक प्रचार की बात है, ये तो लोगों की सोच को गढ़ने की बात है, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये सोच बहुत गहरे तरीके से गढ़ चुकी है, और इसके पीछे
एक राजनीति है, इसके पीछे एक राजनीति है जो धर्म के मुद्दों को लेकर भावनात्मक आधार पर समाज में बंटवारा करती है, ये उसके पीछे का एक मर्म है। जैसे इसीलिए मैं कुछ थोड़ी सी घटनाओं को, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बाकी जो साथी वक्ता हैं इन आज के हालात के बारे में ज़्यादा बात कहेंगे, मैं थोड़ी दो चार चीज़ों को तुरंत लेना चाहता हूँ। अभी कोरोना महामारी के पहले आपने देखा होगा कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो पहली बार हमने देखा कि संविधान के नियमों का उल्लंघन करके नागरिकता को लोगों के धर्म से जोड़ा गया। उसके बाद शाहीन बाग का एक बहुत अद्वितीय आंदोलन हुआ। मैं उम्मीद मैं जो भी इस दुखद परिस्थिति में भी मैं एक संतोष महसूस करता हूँ कि हमने एक ऐसे आंदोलन को देखा जो पूरी दुनिया में एक रोचक और यूनिक आंदोलन रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। खैर, और उसी के साथ साथ दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे करवाए गए, और खैर आज उसके साथ जो हो रहा है दंगे करवाने वाले तो एक जगह पर, जो लोगों ने CAA के विरोध में भाग लिया, शाहीन बाग आंदोलन में सक्रिय थे, उनके ऊपर टारगेट करके उनको यूँ किया जा रहा है। तो ये सांप्रदायिक राजनीति। थोड़ा और मैं पीछे जाके दो चार घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ कि किस आधार पर ये आज की सामान्य सामाजिक सोच, अब ये एक शब्द मेरी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सामान्य सामाजिक सोच से मैं क्या समझता हूँ, सामान्य सामाजिक सोच से मैं समझता हूँ उस प्रकार के विचार जिनको समाज के ज़्यादातर लोग सच मानकर चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं है। और ये मुद्दे खास तौर से ये कई चरणों में, इन मैनी स्टेप्स इसका हम विभाजन कर सकते हैं, पर मैं इसकी जो अंतिम चरण अभी हम देख रहे हैं कोरोना के बाद, और इसके थोड़ा पहले जो हमने चरण देखा CAA और उसके पहले, उसके दो तीन चीज़ों का उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये CAA के पहले हमने देखा कि पूरे समाज में एक विषाक्त, एक ख़राब वातावरण बनाया गया, और उस वातावरण के बनाने के पीछे जैसे ख़ास तौर से 1980 के दशक में बहुत अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई। एक घटना जो हुई कि खैर शाहबानों का के नाम पर जो कुछ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने एक आंदोलन किया, उसका बहाना लेकर एक जवाबी या एक जिसकी पृष्ठभूमि बन रही थी राम मंदिर का आंदोलन चलाया गया। अब मंदिरों से किसको परहेज है, मंदिरों से तो किसी को परहेज नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये बताना था कि देखो वहाँ एक मंदिर था जिसको एक मुसलमान घुसपैठिए विदेशी आक्रमक बाबर ने तोड़ा और हमारे धर्म का अपमान किया, और वहाँ मंदिर के बदले मस्जिद बनाई गई। तो इस पूरी प्रक्रिया के आप अलग अलग टुकड़ों को जब जा करके देखें तो इसमें क्या था, इसमें नंबर एक कि मुसलमान विदेशी है। अब ज़रा सोचिए, ये देश विदेश की कल्पना पहले थी क्या, राजाशाही के ज़माने में न कोई देश था न कोई विदेश था। अब बाबर की बात कर लीजिए, बाबर काबुल के पास राज्य करता था, बाबर को यहाँ आने का निमंत्रण, यहाँ आने की आइडिया, यहाँ आने का विचार किसने दिया भाई, बाबर को यहाँ आने का जो निमंत्रण दिया वो एक हिंदू राजा राणा सांगा ने दिया। राणा सांगा ने कहा आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में मिलकर दिल्ली के राजा इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ेंगे। अब इसमें कहाँ धर्म कहाँ नहीं, तो खैर बाबर विदेशी हो गया, मुसलमान विदेशी हो गए, और दूसरी बात इसके आधार पे कि भाई ये मुसलमान राजा विदेशी हैं, दूसरा इन्होंने आके हमारे मंदिरों को तोड़ा, ये आक्रामक हैं, ज़बरदस्ती से इस्लाम फैलाया, और तो ये एक पूरी प्रक्रिया समाज में चलने लग गई। मैं एक निजी अनुभव बताऊं, 1992-93 में जब मैं IIT में काम करता था, बाबरी के ध्वंस के दूसरे दिन से ही ये पूरे कैंपस में पूरे आसपास यही बाबर की औलाद के नाम पर गालियां चालू हो गई, और वहाँ जो नफ़रत का वातावरण पहले था उसमें एक दूसरी गहराई आने लग गई। तो खैर ये चीज़ों को मैं देखूंगा,
इसको मैं कितने विस्तार में आगे ले सकता हूँ, पर ये एक पहली बात हुई कि राम मंदिर के नाम पर घृणा फैलाने का एक काम हुआ। और दोस्तों याद रखिए, घृणा स्वाभाविक नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूँ कि इंसान में इंसान से मोहब्बत होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि घृणा नफरत पैदा की जा रही है राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और वही नफरत को फैलाने का सिलसिला यहाँ से जो चालू हुआ, उसके आगे फिर वो लव जिहाद के नाम पर हुआ। लव जिहाद के नाम पर भी बहुत कुछ हुआ, और उसमें एक जो बड़ी बात हुई उसकी परिणति एक तो मुजफ्फरनगर के दंगों में हुई, और फिर वो शंभुलाल रेगर ने जो एक मुस्लिम बांग्लादेशी को जलाया काटा, उस प्रकार की भयंकर घटना में हुई। तीसरा फिर देखा तो वो हादिया का केस भी था, जिसमें आखिर में सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि प्यार तो प्यार है, इसमें जिहाद को आप क्यों मिक्स कर रहे, और हादिया को फिर जो पहले जिसका नाम पहले अकेला था, वो अपने पति के साथ जो मुस्लिम है उसके साथ उसको रहने की अनुमति दी। तो एक लव जिहाद का मामला आया, और तीसरा एक बड़ा रोचक मामले के रूप में मैं आपके सामने रखूँगा। है तो बहुत दर्दनाक, पर उसमें एक रोचक पहलू भी आपको मैं बताऊँगा। क्या दर्दनाक है? यह है गाय, बीफ। इसके नाम पर 2014 के बाद एक नई प्रक्रिया आई, लिंचिंग। लिंचिंग वैसे एक शुरुआत का शब्द है जो अमेरिका में अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ, जो वहाँ के श्वेत लोग, वाइट्स लोग जिस प्रकार का करते थे, वहाँ से ये शब्द आया, और वो शब्द यहाँ पहली बार लागू हो गया। और उसमें इतना पता चला, 2014 के बाद लिंचिंग की संख्या में बहुत बढ़ोतरी आई। लिंचिंग की संख्या में बढ़ोतरी आई, और लिंचिंग से मारे जाने वाले 80 से 90% लोग मुसलमान थे, बाकी 10% 20% ये दलित थे। दलित भी इसमें छूटे नहीं, क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भी गाय के व्यापार पर, गाय के चमड़े के काम पर जीता है। खैर, पर क्या यहाँ इसको मुझे क्या सीखा मैंने इस बात से? इस बात मैंने एक बड़ी अजीब बात सीखी। एक तरफ गाय के नाम पर लिंचिंग की संख्या बढ़ती गई, और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ भारत पूरी दुनिया में बीफ के एक्सपोर्टर के रूप में भी सबसे सामने आता गया। एक बात। नंबर दो, क्या इन लोगों को वास्तव में गाय से प्यार है? मुझे इसके बारे में बहुत डाउट है। जहाँ भी भाजपा सरकारें आई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएँ खोली हैं, और इन गौशालाओं में कई बार गायें भूख से कीचड़ में डूबकर, गोबर में डूबकर मर गई। हिंगोनिया का उदाहरण हमारे सामने है। और खैर, इसमें अंतिम एक ही बात बता देता हूँ कि वैसे तो वैदिक काल में गाय का, बीफ का सेवन किया जाता था, जैसे स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, प्रोफेसर डीएन झा की किताब बताती है, वेदों में इसका उल्लेख है कि गाय की बलि दी जाती थी। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाना। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। मैं एक ऑटोबायो एक बायोग्राफ सॉरी बायोग्राफी चरित्र पढ़ रहा था। हमारे वो पुराने प्रधानमंत्री जी थे ना, जो कविताएं लिखते थे, एनडीए में पहली बार प्रधानमंत्री बने, याद होगा आपको नाम, अटल बिहारी वाजपेयी। खैर, अटल जी के बारे में थोड़ा सा कह दूँ। कई लोग कहते थे ही वॉज़ अ राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, पर मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ही वॉज़ अ रॉन्ग मैन इन द रॉन्ग पार्टी। उनके लिए वही पार्टी सही थी। उनका दिखावा एक था, करने की बात दूसरी थी। खैर, एक बार वो ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये विजय त्रिवेदी की किताब हार नहीं मानूंगा, जो उनके ऊपर एक चरित्र लिखा हुआ है, उस किताब से बता रहा हूँ। पेज 236 पर विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि अटल जी एक बार अमेरिका के दौरे पे गए, और अमेरिका के दौरे पर एक दिन लेक्चर के बाद जब खाना परोसा जा रहा था, तो अटल जी के जो पड़ोस में बैठे थे उनके मित्र, उन्होंने कहा, अटल जी ये क्या है, क्या खा रहे हैं हम लोग, ये हमको तो बीफ परोस रहे। अटल जी बहुत प्यार से मुस्कुरा दिए, हंस दिए, और बोले, क्या चिंता की बात है दोस्त, ये बीफ है ना, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, एंजॉय योर सेल्फ। खैर, ये दूसरे प्रकार के मामले, इस प्रकार के मामले बहुत चले। और मैं तीसरी बात आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये सामान्य सामाजिक सोच है जो इतिहास की कुछ बातों के आधार पर बनाया गया। नंबर दो,
आज की बातों पर बनाया गया। और अभी जैसे हम देख रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी के आधार पे भी इसको बनाया जा सकता है। सामान्य सामाजिक सोच ये नफरत फैलाता है, नफरत ही हिंसा का आधार होती है। और एक वाक्य याद रखिएगा, दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। इस बात को भी मैं आगे लेने की कोशिश करूंगा। खैर, तो भारत में ये जो राजनीति है जिसकी परिणति नफरत फैलाकर होती है, जिस नफरत का आधार एक प्रकार का सोच होता है, और इसकी परिणति दंगों में, और दंगों के बाद घेटोआइजेशन, घेटोआइजेशन के बाद हम आज उस अवस्था में हैं जहाँ सोशल बायकॉट की बात की जा रही है। तो ये सांप्रदायिकीकरण के कुछ ऊपर ऊपर की चीज़ें मैंने आपके सामने चिन्हित कर दी। और अब मैं देखना चाहूँगा कि भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता कैसे आई। यहाँ सदियों से मुसलमान हिंदू सब रहे हैं, क्रिश्चियन रहे हैं, सबसे बहुत पुराने हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पर ये मुख्य सांप्रदायिकता हिंदू और मुसलमान के नाम पर फैलाई गई। थोड़ा सा उसमें क्रिश्चियंस को भी अभी अभी 1990 के दशक से जोड़ दिया गया। तो ये सांप्रदायिक राजनीति यहाँ आई कैसी? पहली बात तो एक निश्चित रूप से ख्याल कीजिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम सांप्रदायिकता की जड़ों को नहीं समझ सकते। और वो बात क्या है? वो बात है कि सांप्रदायिकता जो आई वो कॉलोनियल सोसाइटी, उपनिवेश के समाज में आई। पहले राजाशाही थी, राजाशाही में हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। और ऐसा नहीं था कि हिंदू और मुसलमान राजा एक दूसरे से हमेशा तलवार खींच कर चल रहे थे। उनमें समझौते भी थे, दुश्मनियाँ भी थी। एक दो उदाहरण मैं इसमें ज़रूर देना चाहूँगा कि कैसे ये मिलजुल कर भी राज करते थे और सत्ता के लिए संघर्ष करते थे। ये बात मुझे आप तक मुख्य रूप से पहुँचाना है। राजा लोग जो राज्य करते थे वो धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए नहीं करते थे, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। इसलिए महात्मा गांधी अपनी किताब में लिखते हैं, महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हाँ, मुसलमान राजाओं के अंडर में हिंदू थे, हिंदू राजाओं के अंडर में मुसलमान थे, पर सब एक दूसरे का ख्याल करके राज्य करते थे। दो घटनाओं को नोट कीजिए जहाँ हिंदू मुसलमान का योगदान, उनकी दोस्ती और उनके राज्य के बारे में बात है। एक हम पहले समझ लें कि ये हिंदू मुसलमान केवल विरोधी कैंप नहीं थे। खैर, अभी आपका ध्यान में दिला दूँ, अभी राजस्थान की किताबों में पिछली बार जब भाजपा आई तो भाजपा ने उन किताबों में एक बड़ा परिवर्तन लाया। परिवर्तन ये था कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई अकबर और राणा प्रताप में की, और उस लड़ाई में जो अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए, उसके बारे में उन्होंने उसको उलट के कह दिया, अरे ये लड़ाई में तो राणा प्रताप जीत गए थे, अकबर हार गए थे। वास्तव में दोस्तों, मुझे कौन जीता कौन हारा से कुछ लेना देना नहीं है। आपको जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताइए। क्यों? कारण ये है, हल्दी घाटी के मैदान में जहाँ ये लड़ाई चल रही है उसमें एक तरफ अकबर की फौज है, और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं अकबर के प्रधान सेनापति राजा मान सिंह। और दूसरी तरफ राणा प्रताप हैं, खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, एक बड़े जनरल हैं, उनका नाम है हकीम खान सूर। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं दोस्तों, ये दो राजाओं की लड़ाई है। और आगे का और परिवर्तन देखिए, जैसे अकबर और राणा प्रताप में लड़ाई हुई, इनके दोनों उत्तराधिकारियों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। अकबर के बाद जहांगीर आया, राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आए, और इन दोनों ने समझौता करके दोस्ती कर ली। खैर, ये एक बात है। दूसरे, हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी कह के बहुत बार दंगे करवाए जाते हैं, पर उसमें एक ही घटना मैं बताऊंगा चाहूँगा। अकबर, शिवाजी महाराज और अफजल खान, दोनों में मुठभेड़ हुई हुई
पर इस मुठभेड़ का आप जब फर्क देखेंगे तो शिवाजी के जो मददगार थे उनका नाम था रुस्तमे जमान। रुस्तमे जमान वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को वाघनख भेंट में दिया कि जब आप जाओ अफजल खान से मिलने, इसको साथ में ले जाइएगा। और अफजल खान के जो साथी थे उनका नाम था कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी। खैर, इस बात को मैं यहीं निपटा देता हूँ। और यहाँ मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज में इस बात को उल्लेख किया गया है, वैसे ही उसी के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्हीं मुद्दों को एक गंगा जमनी तहजीब के रूप में रखा गया है। और वो उसी के ऊपर जो एक श्याम बेनेगल का सीरियल है भारत एक खोज, वो हम सब ने ज़रूर देखना चाहिए। खैर, तो यहाँ हिंदू राजा थे, मुसलमान राजा थे, और मुख्य जो अंतर विरोध समाज में था वो हिंदू मुसलमान में नहीं था। मुख्य अंतर विरोध किसान और जमींदार में था। किसान उत्पादन करता है, जमींदार लगान वसूल करता है, ये लगान आगे राजा को देता है, ये लगान ऊपर अब शहनशाह तक जाता है। ये मुख्य अंतर विरोध था। तो इसको भुलाकर इतिहास का सांप्रदायिकीकरण करके लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान की नींव डाल दी। ये क्यों डाली गई, इसका एक मोटा सा उदाहरण दे दूंगा। आप सब लोगों को याद होगा 1857 की भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसको कई लोग पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, इसके कई नाम हैं, क्रांति, विद्रोह, भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। अब याद कीजिए 1857 की लड़ाई की चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने, और इस लड़ाई का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के साथियों का नाम था तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और उन्होंने वहां से जो एम्पायर्स की नीति होती है, फूट डालो और राज, तो 1857 की लड़ाई एक उदाहरण है। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया, और उसमें क्या देखा, सबसे बड़ी फूट किस में डाली जा सकती है, सबसे बड़े दो समाज कौन है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, इसीलिए सांप्रदायिकता इन दो में सबसे ज़्यादा दिखती है। खैर, अब अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक विचार, सांप्रदायिक राजनीति, इनकी नींव डाली जाती है। ये नींव कैसे डाली जाती है, ये नींव कैसी डाली जाती है, तो ये नींव कैसी डाली जाती है, ये इतिहास की किताबों के माध्यम से डाली जाती है। खैर, इसी के साथ कुछ सामाजिक परिवर्तन होना चालू होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, अंग्रेज, क्योंकि पहले मुसलमान राजा जो थे उनको दो प्रकार में देख सकते हैं। एक, कुछ मुसलमान राजा आए लूटपाट करके चले गए, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी वगैरह। दूसरे मुसलमान राजा आए, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने राज किया, शोषण किया, यहीं रह गए, यहाँ की संपत्ति वो बाहर नहीं ले गए। अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेज यहाँ आए व्यापार के नाम पर, व्यापार के नाम पर आए, बाद में उन्होंने शासन किया और शासन के साथ ही उन्होंने यहाँ की संपत्ति को लूट कर इंग्लैंड ले गए। याद रखिए, इसमें शशि थरूर की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, उसमें बताते हैं कैसी भारत की इकोनॉमी को अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, कैसे भारत की संपत्ति को लूट कर वो ले गए। अब खैर, अब इस प्रक्रिया को समझिए, अंग्रेजों को यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाना है तो कौन से परिवर्तन लाएंगे। सारांश में पहला परिवर्तन, रेलवेज, ताकि छोटी जगहों से बंदरगाह तक सामान ले जा सके, रेल। दूसरा, ब्रिटिश वॉइस रॉय आधुनिक प्रशासन लाता है, आधुनिक प्रशासन में उसे अपने ऑफिसर्स को संदेश भेजना रहता है, इसके लिए वो संदेश वाहक और कबूतरों के बदले लाते हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको याद रखिए, मेल। और तीसरा परिवर्तन वो लाते हैं, अपने लिए यहाँ क्लर्क बनाना है, शिक्षित लोग बनाना है, नई न्याय व्यवस्था बनानी है, नई जेल व्यवस्था बनानी है, और इस तीनों को मिलाकर मैं कहता हूँ जेल, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो तीन शब्द कौन से हो गए, रेल, मेल, जेल।
अब इसके साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वो हमारे जमींदारी समाज को, सामंती समाज को तोड़ना शुरू करते हैं। और ये सामाजिक परिवर्तनों में ये सामाजिक परिवर्तनों के कारण तीन नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। ये तीन नए वर्ग अस्तित्व में कौन से आते हैं? नंबर एक, व्यापारी उद्योगपति, जो यहाँ इंडस्ट्रीज की स्थापना करते हैं। नंबर दो, इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, मजदूर वर्ग। और नंबर तीन, आधुनिक शिक्षित वर्ग। याद रखिएगा, ये वर्ग समाज में उभर रहे हैं और ये समाज में उभर रहे हैं और साथ ही साथ दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन है शिक्षा का प्रवेश दलितों के बीच में। इसलिए ज्योतिराव फुले को याद रखिएगा, शिक्षा का प्रवेश स्त्रियों के बीच में, इसलिए सावित्रीबाई फुले को याद रखिएगा। समाज जब इस प्रकार से बदल रहा होता है तो समाज के पुराने शासक, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको डर लगता है। उनको लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी सत्ता फिसल जाएगी। और जब उनकी उन्हें डर लगता है कि उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, तो एक बहुत चालाकी से वो ये कहते हैं, हमारा धर्म खतरे में है। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति कहते हैं धर्म खतरे में है, वास्तव में वो अपनी राजनीति की बात करते हैं, अपनी सत्ता की बात करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी सत्ता खतरे में है और उसी सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म के आवरण को ओढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ तक आ गया, एक तरफ उभरते हुए वर्ग, व्यापारी उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, और दूसरी तरफ कमजोर होते वर्ग। कमजोर होते वर्ग कौन से? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। अब ख्याल कीजिए, इन्हीं में से संगठन बनने की प्रक्रिया चालू होती है। ये लंबा विषय है, कभी फिर से मैं आपसे बात करूंगा। पर उभरते वर्गों के संगठन में से तीन संगठन याद रखिए और उनके नाम के पैटर्न को मत भूलिएगा। दोनों का नाम मैं जो कह रहा हूँ, अब मुझे ये मत बोलिए कि सर विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। ठीक है, उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है, पर मैं जिस बात को कह रहा हूँ, राजनीतिक संगठनों के नाम में उनका एजेंडा छुपा होता है। तो उभरते वर्गों में से तीन प्रतिनिधि आते हैं। तीन प्रतिनिधियों को मैं लेता हूँ, जो मेरे प्रतीक भी हैं, मेरे आइकॉन्स भी हैं, और उनको मैं बहुत आदर से भी देखता हूँ। इनमें से पहले हैं शहीद भगत सिंह। याद कीजिए, क्या नाम था उनके संगठन का? उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। दूसरे व्यक्ति आते हैं, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत सारे संगठन बनाते हैं लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए, सामाजिक समता के लिए, और अंत में वो जिस पार्टी की कल्पना करते हैं वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा जो संगठन आता है, वो पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करता है। नाम आप ज़रा पहचानिएगा, उसके पहले मैं चार लीडर्स के नाम आपको बता दूंगा इसके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये उभरते वर्गों में से आए हुए संगठन हैं। अब डूबते वर्ग के लोग क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? अरे डूबते वर्ग के लोग, हिंदू राजा, मुसलमान नवाबा, नवाब दोस्त हैं एक दूसरे के, पहले मिलकर संगठन बनाते हैं, फिर अंग्रेजों की फूट डालो और राजनीति के कारण इसमें से दो संगठन बनते हैं। एक बनता है मुस्लिम लीग, दूसरी बनती है हिंदू महासभा। अब जरा ख्याल कीजिएगा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इसमें समाज के आम तबके के लोग नहीं हैं, इसमें यहाँ जो संभ्रांत उच्च वर्ग के धनी लोग हैं वो हैं। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आम मुसलमान इनके साथ नहीं था, आम मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ नहीं था, आम हिंदू हिंदू महासभा के साथ नहीं था, आम लोग थे इन ग्रुप्स में, जिनको मैं उभरते हुए ग्रुप कह रहा हूँ, या शहीद भगत सिंह, या अम्बेडकर, या गांधी। तो खैर, अब इन दोनों में नाम के पैटर्न से ही आपको उनका एजेंडा पता चल जाएगा। और उभरते वर्गों ने जो संघर्ष किया, उसके कारण आधुनिक भारत की नींव बनी, सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, समाजवादी भारत, और इसी में से हमारा संविधान निकला। अब ये एक तरफ ये संगठन आ रहे हैं, जो इनके ये इनके मूल्य क्या हैं? इनके मूल्य है स्वतंत्रता, समता, बंधुता।
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और दूसरी तरफ जो डूबते वर्ग के लोग हैं, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, वो पुराने युग की बातों को करते हैं। यहाँ ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है, भगत सिंह, अंबेडकर भविष्य का सपना देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भविष्य में अपनी सुनहरी चीज़ों को देखता है, और जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, आरएसएस को बीच में अभी ले आऊँगा, ये लोग प्राचीन काल को महान कहते हैं। क्यों सोचिए, प्राचीन काल को महान क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में कौन से मूल्य थे? प्राचीन काल में जो मूल्य थे वो थे जन्म जात ऊंच नीच के। और यही मैं इसको सारांश में डालने के लिए, इसमें मुसलमान राजा हिंदू राजाओं के एटीट्यूड में, रवैये में कोई फर्क नहीं है। जमींदार जमींदार होता है, उसका मुख्य काम गरीब किसानों का शोषण करना होता है, और वो जन्मजात ऊंच नीच को मानता है, गरीबों को अपना गुलाम मानता है, जैसे दलितों को भी यह माना जाता है, स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति मानते हैं। तो खैर, ये दो ग्रुप को आपने देख लिया, अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आज़ादी के आंदोलन में डूबते वर्गों के लोगों ने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा के विचारों को जो लेकर बनती है आरएसएस, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं दिया। आज़ादी का आंदोलन उभरते वर्गों के संघर्षों से बना, और इन्हीं संघर्षों में से भारतीय संविधान की स्थापना बनी हुई, जो आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब जैसे मुस्लिम लीग ने अपनी बात कही कि हम प्राचीन काल से ऐसे हैं, हिंदू महासभा ने कहा, जैसे मुस्लिम लीग ने कहा, हम 1200 साल से एक मुस्लिम राष्ट्र हैं, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, राज किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब याद रखिए, यहाँ राष्ट्र को और राजाशाही, ये शब्द दो बहुत अलग शब्द हैं। पहले राष्ट्र नहीं था, पहले राजाशाही थी। खैर, ये तो 1100-1200 साल की बात करते हैं, मोहम्मद कासिम से अपनी पहचान को लेते हैं। हिंदू महासभा और उसके बाद हिंदू महासभा के विचारों से बनने वाली आरएसएस क्या कहती है? अरे वो कहती है, भूल जाओ 1100 साल 1200 साल, हम हिंदू तो 5000, 8000, 20000, क्या पता, अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र है। मज़ेदार बात है, अनादिकाल। इनको शायद डार्विन की थ्योरी में तो वैसे ही विश्वास नहीं है, इसलिए उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। अब इन दोनों के मूल्यों में क्या फ़र्क है, इसको विस्तार में बताने के लिए मैं अब उभरते वर्गों के लोगों को मैं अलग रख रहा हूँ। मुस्लिम लीग पार्टीशन के बाद कमज़ोर हो गई, इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान में जाके इन्होंने जिस प्रकार का राष्ट्र बनाया, जिस प्रकार की बर्बादी की, जिस प्रकार से आम लोगों के अधिकारों को कुचला, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो भारत में यहाँ पंडित नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण का बात कही, उन्होंने कहा, मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता दोनों खतरनाक होती हैं, पर जो अल्पसंख्यक संख्यक सांप्रदायिकता, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म होता है, वो अलगाववाद के रूप में आता है, और जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होता है, मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता होती है, वो अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। दुर्भाग्य की बात है, पंडित नेहरू की बात आज कितनी सच होती दिखाई दे रही है, और इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद, जिस शब्द को पहले स्वीकार नहीं किया जाता था, आज वो हिंदू राष्ट्र के बारे, राष्ट्रवाद के बारे में लोग कितनी आसानी से बात करते हैं, और कितने तरीकों तरीकों से बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, और अपनी हिंदू की अलग अलग परिभाषा देते हैं। अब मुझे अपनी बात के अंतिम सेगमेंट में मैं आना चाहूँगा कि आरएसएस क्या चीज़ है। हिंदू महासभा तो पहले से थी, 1915 से, अब 1925 में आरएसएस बना। पहले तो इसकी पृष्ठभूमि देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन छेड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या खासियत थी दोस्तों, याद रखिए, ये हमको सबको याद रखने की बात है। महात्मा गांधी ने पहली बार आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, और महात्मा गांधी का कोई सबसे बड़ा योगदान है तो ये कि उन्होंने जन आंदोलन की आधारशिला रखी, और ये जन आंदोलन के जनक भारत में एक महात्मा गांधी का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो खैर,
1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो सांप्रदायिक लोग थे, जो ऊपर के तबके के लोग थे, वो पहले से और डर गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी के साथ एक दूसरा फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि महात्मा ज्योतिराव फुले, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों से प्रेरणा लेकर नागपुर विदर्भ एरिया में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी ब्राह्मण जमींदारी विरोधी मूवमेंट एक चालू हुआ, जिससे वहाँ के जमींदार, यहाँ के राजा, छोटे मोटे राजा, ये और डर गए, और यहीं से आरएसएस की शुरुआत होती है। तो आरएसएस के बनने के तीन कारण, नंबर एक, आम लोगों का जन आंदोलन में भाग लेना, नंबर दो, दलितों का नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को लॉन्च करना, उसकी शुरुआत करना, और नंबर तीन, इस समय यूरोप में एक प्रक्रिया चल रही थी, वो थी फाशीवाद, नाजीवाद, हिटलर, मुसोलिनी, इन लोगों को लगा कि राष्ट्रवाद जो है हमारा एग्जाम्पल वो है। तो ये तीन उनके आधार हैं। खैर, आरएसएस ने अपने बनने के बाद से कभी भी लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, डिग्निटी, अधिकार की कभी बात नहीं की। तो एक तरफ भगत सिंह को देखिए, अंबेडकर को देखिए, जिनके लिए लोगों की पीड़ा उनकी पीड़ा है, लोगों की डिग्निटी, लोगों का अधिकार उनका उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस प्राचीन काल की बात करता है। प्राचीन काल में गौरवमय युग था और वही हमको युग लाना है। और यहाँ छोटे से में इसको समझने के लिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हो, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। उभरते वर्गों से मैं एक प्रतिनिधि को ले रहा हूँ, डूबते वर्गों से एक प्रतिनिधि को ले रहा हूँ, और उनके एटीट्यूड, उनके रवैये को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनमें फ़र्क क्या है। आज तो आरएसएस भी कह रहा है कि अंबेडकर हमारे हैं, हमारे और उनके विचार मिलते जुलते हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, अंबेडकर और आरएसएस के विचार इतने अंतर विरोधी हैं कि उनको एक तरीके बताना उनके विचारों के साथ विश्वासघात करना है। तो इसलिए देखिए, अंबेडकर जी ने अपने जीवन में सामाजिक समता के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, और इसी में से उनका एक कदम था मनुस्मृति के दहन का समर्थन। अब मनुस्मृति के दहन के समर्थन के समय अंबेडकर जी ने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब के जलाने का समर्थन करता हूँ। और दूसरी तरफ यही बाबा साहब अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, और भारतीय संविधान हमें क्या देता है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरिटी। तो ये हो गए मेरे एक आदर्श, उभरते वर्गों के लोग, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति। अब दूसरी तरफ देखिए, एक व्यक्ति ने बहुत क्लियर तरीके से कहा, भाजपा के कई लीडर्स तो आजकल भी कहते हैं हमको संविधान को हटाना है, मनुस्मृति के मूल्यों की तारीफ करते हैं, पुराने युग की तारीफ करते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। तो खैर, अब उन व्यक्ति का नाम है के सुदर्शन। के सुदर्शन सन 2000 में आरएसएस के सरसंघ चालक, द चीफ डिक्टेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बने, और उन्होंने एक बयान दिया, स्टेटमेंट, ये इंटरव्यू मैंने आउटलुक में पढ़ा था। उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए, और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे है। तो आप समझ लीजिए ये अंतर विरोध कहाँ दिख रहा है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। खैर, तो अंतर विरोध दो है, अंतर विरोध वास्तव में मैं कहता हूँ झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा है दो प्रकार के मूल्यों का। एक मूल्य वो जो सामंती समाज में थे, ऊंच नीच के मूल्य थे, जिनके आधार पर धर्म के नाम के संगठन चलते हैं। यहाँ ये भी कह दूँ, जैसे भारत में आरएसएस है, ऐसे ही इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड है, कहीं तालिबान है, कहीं क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हैं, बर्मा में बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट हैं, श्रीलंका में बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इसी प्रकार के अपने धर्म के आवरण की आड़ में पुराने मूल्यों को लेकर आने की कोशिश करते हैं, वो भी कर रहे हैं। भारत में ये कोशिश जो आगे बढ़ी है,
तो इसमें फर्क देखिए, तो आरएसएस के दो मुख्य आधार, इनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था वो यही था कि प्राचीन भारत समाज, हिंदू समाज, एक्सेलेंट, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब चालू हुआ? मुसलमान आक्रामक आए, उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी स्त्रियों पे नज़र उठाई, इसलिए भारतीय समाज में प्रॉब्लम आ गए। ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है और वो प्राचीन काल को एक आदर्श काल मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल प्राचीन काल को इतना आदर्श मानते हैं कि पूरा विज्ञान भी प्राचीन काल में उनको दिखता है। उनका वो पुष्पक विमान हो, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, या कोई भी विज्ञान की चीज़ हो, न्यूटन की थ्योरी हो, जो भी दे लिए तो वो कहेंगे ये तो हमारे इसमें थी। ये क्यों ऐसा करते हैं? ये प्राचीन काल का गुणगान इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए गौरवमयी करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल के ऊंच नीच के मूल्यों को, प्राचीन काल की डिक्टेटरशिप टाइप व्यवस्था को आज लाना चाहते हैं। अब खैर, आरएसएस के जो ट्रेनिंग होती है उसमें शुरू में स्वयं सेवक, और एक बात इनकी तारीफ करना पड़ेगा जो बाकी लोग इन्होंने लगातार, एक तारीफ की बात यह है, लगातार 30 दिन, 12 महीने, सालों साल एक काम करते रहे हैं। वो काम क्या है? लोगों का ब्रेन वॉश करना, इंडॉक्ट्रिनेट करना। और ब्रेन वॉश के दो आधार, ब्रेन वॉश का एक आधार मुसलमान विदेशी है, 1990 के बाद क्रिश्चियन विदेशी है, ये भी उनको उन्होंने जोड़ दिया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मानवता के मूल्य, विज्ञान के मूल्य, ये पूरे यूनिवर्सल होते हैं, पूरी दुनिया में लागू होता है, इसमें देशी विदेशी कुछ नहीं होता। खैर, पर इनके हिसाब से मुसलमान विदेशी, क्रिश्चियन विदेशी, तो एक तरफ उनके बारे में नफरत फैलाना, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात पुराने मूल्यों को आदर्श मूल्यों के रूप में प्रस्तुत करना। ये क्यों भाई? ये इसलिए क्योंकि पुराने समय में, मनुस्मृति के समय में, शूद्र भी गुलाम था, स्त्री भी गुलाम थी। इसीलिए मैंने अभी अभी देखा एक वीडियो जारी उन्होंने किया। क्या जारी किया? कि बाबा साहब के और आरएसएस के विचार एकदम मिलते जुलते थे। मेरा जितना छोटी मोटी समझ है, मैं मानता हूँ कि एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ भगत सिंह, इनके विचार जो हैं क्रांतिकारी, बराबरी के विचार, और आरएसएस के विचार पूरे एक दूसरे के उलट में हैं। पर आज आज वो जहाँ एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी नफरत पैदा की है, उसी के साथ साथ प्राचीन मूल्यों का गुणगान कर रहे हैं, और साथ ही साथ आदिवासियों को अपने बीच में समाहित करना, आदिवासियों का हिंदूकरण करना, दलितों के बीच में एक अपनी पैठ बनाना, अंबेडकर की मूर्ति की पूजा करना, ये इसलिए कर रहे हैं कि चुनावी कारणों से उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं निश्चित रूप से आरएसएस से मेरा जो विरोध है वो सैद्धांतिक विरोध है। ये भी आपको बता दूं कि एक घटना जो नाथुराम गोडसे और आरएसएस का जो संबंध हो, मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस समय सरदार पटेल ये हमारे गृह मंत्री थे। सरदार पटेल ने कहा कि इसका जो हत्यारा है वो हिंदू महासभा के एक एक्सट्रीम विंग का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हिंदू महासभा का एक व्यक्ति है, जो सच है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस देश में आरएसएस ने नफरत का वातावरण पैदा किया है, और ये नफरत का वातावरण वही है जिसके कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये सरदार पटेल के वाक्य को आप याद रखिए। तो एक तरफ नफरत का निर्माण जो शुरू हुआ 90 साल, 95 साल, 100 साल पहले, आज वो इतना भयंकर रूप ले रहा है कि उनका बायकॉट करना, मैं इसमें बैलेंसिंग भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता। यहाँ जो दंगों की शुरुआत हुई वो हिंदू मुसलमान दंगों के रूप में हुई, पर आज दंगों ने अपना रूप बदल दिया है, ये मुस्लिम विरोधी दंगे बन गए हैं। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। और दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, दंगों पे बहुत अध्ययन किया गया है, याद रखिएगा, दंगों का बढ़ना 1980 से, और भाजपा की ताकत बढ़ना 1980 से, इसको अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ समांतर चलेंगे।
और जिन लोगों ने भी सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन किया है वो हमें बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगे धर्म के कारण नहीं होते। सांप्रदायिक दंगे के पीछे एक राजनीति होती है। भारत में पॉल ब्रास, असगर अली इंजीनियर, इन्होंने इस पर बहुत अध्ययन किया है और इसी अध्ययन को आगे ले जाकर अभी येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है। और ये येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च क्या कहता है? येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च हमें बताता है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये दोस्तों हमारे देश की शोकांतिका है कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग थे उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई कदर नहीं की। जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपने आप को कहती हैं चुनावी मैदान में व्यस्त रही और लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य देने में असमर्थ रहे, असफल रहे, यहाँ तक मैं कहूँगा। जो काम महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपने आंदोलन के माध्यम से किया, जवाहरलाल नेहरू ने जो काम अपनी नीतियों के माध्यम से किया, उसके बाद वो काम कहीं ढीला पड़ गया और ये जो नफ़रत की राजनीति ये पहले से ज़्यादा मजबूत होने लग गई। तो खैर मैं जानता हूँ अनहद ने पहले भी एक सीरीज़ जारी की थी हिंदुस्तान की कहानी, हमारे दोस्त सोहेल हाशमी की, वो भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे यहाँ मिलजुल कर सभ्यता संस्कृति थी। और दूसरा हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें मेलजोल की सभ्यता संस्कृति साहित्य कला और एक दूसरे के प्रति इज्जत के माहौल को वापस लाना है। केवल आलोचना करने से समाज नहीं बदलता, हमें इसमें सक्रिय रूप से काम करके ये करना पड़ेगा कि जो नफ़रत फैलाई गई है, जिसके कारण दंगे करवाए जाते हैं, उसको भी आप दूर कीजिए। और ये नफ़रत को दूर करने के लिए अनहद ने पहले बहुत वर्कशॉप्स की थी, हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी ने भी बहुत वर्कशॉप्स की थी, पर इनकी ज़्यादा उपस्थिति मुझे दिखती नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी और दूसरी पार्टियां भी कई बार इस प्रकार के वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, पर उनका सातत्य, कंटिन्यूटी, गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि राजनीति का आधार लोगों का विचार होता है, राजनीति का आधार लोगों का विचार होता है, लोगों का विचार जो संघर्ष के माध्यम से बनता है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, इन दोनों चीज़ों को लेकर चलना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सांप्रदायिक राजनीति जो आज देश पर इतनी हावी हो गई है उसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुकाबला भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। और ये भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पर एक तो वो संघर्ष जो गरीब किसानों के हैं, दलितों के हैं, महिलाओं के हैं, आदिवासियों के हैं, गरीब मजदूरों के हैं, इन संघर्षों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे सी बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का, जिनको किसी किसी नाम से लेबल करके देशद्रोही करार दिया जा रहा है, वो भी हमारे आंदोलन को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नफ़रत के माहौल को समाप्त करके मोहब्बत के पुल बनाना, वो पुल जिस पर चलकर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, जिसके विचार अंबेडकर जी ने रखे थे और जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरों की आलोचना करने से ही समस्या हल नहीं होती, वो समस्या को समझने का पहला कदम है। उसका दूसरा कदम है कि हम और आगे किस प्रकार से काम करें ताकि वो मूल्य जो हमारे आज़ादी के आंदोलन की आधारशिला थी, उन मूल्यों को हम समाज में कैसे मजबूत करें, ये हमारा सबसे बड़ा ये करें। और ये इसी अपनी राय के साथ मैं शबनम हाशमी जी कह रही हैं कि कुछ सवाल हैं, मैं सवाल लेने में मुझे खुशी होगी, पर बात करते करते मैं यहाँ जो पढ़ा है वो मैं देख नहीं सकता, तो
कोई दो तीन मुख्य सवाल किस प्रकार से रखे जाएंगे बताइए, तो मैं उन सवालों का जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। एक मैं यहाँ देख रहा हूँ, 1984 के दंगे, 1989 में कश्मीरी पंडितों पर दंगे। ये बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों। 1984 का दंगा ये बहुत निंदनीय निंदनीय कंडेमनेबल कृत्य है। इसमें जहाँ एक ओर उस समय की शासक पार्टी ने भाग लिया, दूसरी ओर उन लोगों ने भी भाग लिया जो सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं। और अभी अभी जिनको भारत रत्न दिया गया, नानाजी देशमुख ने राजीव गांधी की नीतियों की सराहना की। ये बात जॉर्ज फर्नांडिस एडिटेड अखबार प्रतिपक्ष में भी थी। तो खैर, पर ये इतनी दुखद घटना थी सिखों के खिलाफ का आंदोलन। पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि सिखों के खिलाफ वो नफरत का माहौल बाद में नहीं रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिख जो हमारे हमारी सभ्यता के, संस्कृति के, देश के महत्वपूर्ण भाग हैं, उनके साथ प्रेम मोहब्बत से हम रहेंगे और वो एक बार का दंगा फिर कभी नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पे मैंने कश्मीर समस्या Part 1, 2, 3 की है और कश्मीरी पंडितों पर भी एक वीडियो बनाया है। कश्मीर का सवाल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। कश्मीर का सवाल जो है ये आज़ादी के समय, क्योंकि जो रियासतें थी उनको ऑप्शन दिया गया था, आप भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, स्वतंत्र रहो। कश्मीर में राजा हिंदू थे और प्रजा, ज़्यादा मेजॉरिटी प्रजा मुसलमान थी। हरी सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, पाकिस्तान ने आक्रमण किया और उस आक्रमण के बाद महाराजा हरी सिंह ने और शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने भारत के साथ एक्सीड होने का फैसला लिया, मर्ज होने का फैसला नहीं लिया। और उसमें तीन चार विभाग उन्होंने कश्मीर की असेंबली के पास रखे। खैर, वो एक बात है। पर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो कश्मीरियों को आश्वासन था कि आप ऑटोनोमस रहेंगे, वो आश्वासन को कमज़ोर करने लग गए और उसके कारण एक असंतोष उपजा। ये असंतोष कश्मीरियत के आधार पे उपजा और 1980 के दशक में जो तालिबान के लोग अफगानिस्तान से फ्री हुए, वो कश्मीर में आके उन्होंने इसका सांप्रदायिकीकरण कर दिया। और जो कश्मीरियत में वेदांत के सिद्धांत हैं, गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं, सूफी सिद्धांत हैं, वहाँ ये जो तालिबानी एलिमेंट थे उन्होंने इसको एक हिंदू मुस्लिम का सवाल कर दिया। और वहाँ कश्मीर के बहुत सारे ऐसे तबके थे जो चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको ज़्यादा ही प्रदान किया जाए। पर वहाँ जो गवर्नर जगमोहन थे, उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया कि आप घाटी छोड़कर चले जाइए, घाटी में तो मुसीबत है। और वहीं से कश्मीरी पंडित, करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित और करीब 2 लाख मुसलमानों ने घाटी को छोड़ा। खैर, ये और विस्तार में हम कभी बात कर सकते हैं, पर ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आज भी कश्मीर में खीर भवानी नाम के उत्सव को मनाया जाता है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते हैं। एक दूसरा सवाल है, वाई निज़ामुद्दीन मरकज़ इज़ ब्लेम्ड बाई द गवर्नमेंट फॉर स्प्रेडिंग कोरोना। देखिए, ये जो निज़ामुद्दीन मरकज़ को जो ब्लेम किया, जो सवाल मैं पढ़ पाऊंगा उसी का जवाब दे रहा हूँ। निज़ामुद्दीन मरकज़, सॉरी बीच में इंटरप्शन आ गया। तो निज़ामुद्दीन मरकज़ को देखिए, जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था वो 20 मार्च के बाद किया गया था। निज़ामुद्दीन मरकज़ 13 से 15 मार्च तक हुआ और 13 से 15 मार्च तक जो भी लोग आए, 13 से 15 मार्च के बीच में जो लोग भी आए, वो लोग एक प्रकार से पूरी परमिशन से आए। वो कोई घुसपैठिए नहीं थे, वीसा पासपोर्ट लेकर आए। ये बात और है कि भारत की सरकार उस समय कोरोना को सीरियस नहीं ले रही थी। भारत की सरकार बिजी थी नमस्ते ट्रंप में, भारत की सरकार बिजी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने में, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लिया गया। वैसे तबलीगी जमात के पहले केरल में बहुत सारे विद्यार्थी चाइना से आए थे, उसी के पहले कनिका कपूर आई थी, उसी के पहले एक सिख प्रचारक आए थे और उनके कारण ये बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तबलीगी मरकज़ का फ़ायदा लेकर जो मीडिया इन्होंने तैयार किया है, जो मीडिया तैयार किया है, उस मीडिया ने इस नफ़रत को फैलाया और ये उसी का परिणाम है कि आज
तबलीगी मरकज़, उसी के बहाने पूरे मुसलमान, उसी के बहाने सांप्रदायिकता को एक अलग धरातल पर ले गया है। और यहाँ मैं बता दूँ कि इसी इस पर भी मेरा एक YouTube वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसका विस्तार में मैंने उसको बताने की कोशिश की गई है। RSS helps in all disaster situation and does a lot of community work. They also rescue Muslims. What do you have to say about that? देखिए, RSS निश्चित रूप से समाज सेवा करता है, पर आपको बता दूं कि आज समाज से आज जो कोरोना पीड़ितों के को और जो कम्युनिटी में फीडिंग का कार्यक्रम है, देश के प्रायः सभी संगठन करते हैं। बहुत सारे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसका भी मुख्य काम समाज में इसी प्रकार की चैरिटी करना है। तो उस करने से कोई उसके विचार बदल नहीं जाते, और ये एक पैटर्न हमको कोई रिसर्चर बताएंगे कि ये जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है ये चैरिटी पे क्यों जोर देते हैं। पर ये भी याद रखिए कि चैरिटी केवल इन्हीं के द्वारा नहीं होती, चैरिटी करने वाले सैकड़ों संगठन हैं जो चुपचाप साइलेंटली अपना काम करते हैं, पर RSS अपना यूनिफॉर्म पहन के बताना चाहती है कि हम यहाँ चैरिटी कर रहे हैं। जमाती इस्लामी और RSS में कितना फ़र्क है? हाँ देखिए, जैसे जमाती इस्लामी और RSS का फ़र्क, ये मैंने पंडित नेहरू का वाक्य कोट किया था कि जमाती इस्लामी जो है वो एक अल्पसंख्यक संगठन है, वो यहाँ मुस्लिम राष्ट्र कभी नहीं ला सकेगा। और पंडित नेहरू ने कहा कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता खतरनाक तो होती है, पर ये उस प्रकार के राष्ट्रवाद को नहीं ला सकती। पर हाँ, जो भी लोग मानते हैं कि इस्लाम के आधार पर राष्ट्र बनना चाहिए, वो उतने ही खतरनाक हैं। पर भारत में सबसे ज़्यादा खतरा RSS का है, क्योंकि ये मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म है। जहाँ तक मेरी एक सवाल है, क्या अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आलोचना की ज़रूरत है? निश्चित रूप से, देखिए, समाज में विचारों का विकास तभी होता है जब हम सकारात्मक रूप से एक दूसरे की आलोचना करके अपने विचारों को आगे ले जाएं। जो BJP और दूसरे संगठनों ने हजारों ट्रोल ये अपॉइंट किए हैं, वो एक गाली देने के लिए, जो अभी इसमें भी कुछ कुछ गालियां आ रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर विचारों का विकास आपसी द्वंद से ही होता है, और मैं जो कमज़ोर बात कह रहा हूँ उसमें आप कुछ मुद्दे निकाल कर उसको आगे ले जाना चाहेंगे, और मैं अपने ज़िंदगी के इस पड़ाव में भी अपनी विचारधारा को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम ब्लेमिंग दोज नॉनसेंस जमातीज, यू आर सेइंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन इज़ बीइंग ब्लेम्ड। नोबडी इज़ ब्लेमिंग मुस्लिम्स, एवरीवन इज़ ब्लेमिंग दोज जमातीज। ये सवाल जो कहा गया कि एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग जमातीज, ये कहने के लिए ठीक है, पर समाज में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ ऊपर जमात की बात की जाती है, नीचे मुसलमान की बात की जाती है, जो कि जबकि जमाती केवल 1,40,000 लोग होंगे, पर पूरे कम्युनिटी को उससे जोड़ दिया गया। दूसरी बात यहाँ कह दूँ कि जो मुस्लिम राजाओं की आलोचना की जाती है, उसी के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को भी जोड़ दिया जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आलोचना अगर करना भी है जमात की, जो पूरी तौर से सही नहीं है, उनकी पूरी आलोचना करना भी सही नहीं है, आधी गलती उनकी है, आधी से ज़्यादा गलती सरकार की है, पर फिर भी लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि जमाती है ये मुसलमान है, और इसलिए सब मुसलमान इस प्रकार से कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे अपने फैमिली सर्कल्स में पढ़े हैं कि जिसमें सभी मुसलमानों को एक रंग में रंग दिया जाता है। और याद रखिए, सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हो रही है, उसकी क्या निशानी है? कि पूरी कम्युनिटी को एक रंग में देखा जाता है। इतिहास से मुसलमान राजा के साथ आज के मुसलमानों को जोड़ा जाता है, जैसे तबलीगी जमात के साथ ज़्यादातर मुसलमानों को जोड़ा जाता है। अभी आपको एक पर्सनल बात बता दूं, हमारे एरिया में एक सब्जी की दुकान मुसल हमारे एरिया में सब्जी की दुकान है, मुसलमान की है, तबलीगी नहीं है वो। लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। अब उस पट्टे ने क्या किया, फिर तीसरे चौथे दिन वहाँ के हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगा दिए और एक भगवा भगवा झंडा अपनी दुकान में गाड़ दिया। तो ये चीज़ आप जो कह रहे हैं बहुत पीड़ा का विषय है कि हम समाज में पूरे समाज का दोषारोपण कर देते हैं। लिबरल विचारधारा हिंदू कश्मीरी पंडितों की सहायता कर सकती है क्या? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकती है? देखिए, लिबरल विचारधारा तो वैसे ही निशाने पे है। लिबरल जो है उसको आज देशद्रोही कहा जा रहा है, तो
वो कम से कम ईमानदारी से कश्मीरी पंडितों के हकों की बात कर सकती है, कर रही है। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि लिबरल विचारधारा ने हमेशा कश्मीरी पंडितों के समस्या को समझने की कोशिश की है और उसके बारे में की है, पर आज लिबरल होना भी एक बहुत मुश्किल काम होते जा रहा है। उसी को देशद्रोह कहेंगे तो कितने लोग इस विचारधारा से चल सकेंगे मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ जो भी लोग डिस्प्लेस्ड हैं उनको अपनी जगह पे जाना चाहिए, पर उसके लिए एक शांति का वातावरण पैदा करना ज़रूरी है। अब आप देखिए 1998 में एनडीए सरकार आई, 2014 से ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी लेड एनडीए है, क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का? हर एक जना सवाल उठाता है कश्मीरी पंडितों का क्या, कश्मीरी पंडितों का क्या? पर 6 साल पहले और 6 साल अभी बीजेपी की सरकार सत्ता में है, कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हो गया मुझे आप बताइए। जी और कोई सवाल है तो देखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि धारा 370 जाती रही है, हम लोग विरोध करते रहे हैं रोक नहीं पाए, हमारी ताकत कमज़ोर होती रही है, हमारी ताकत बढ़ना चाहिए ताकि हम इनकी इनका विरोध कर सकें। हाँ, आर हिंदूज इन डेंजर, वाई इज़ मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोइंग सो फास्ट? हाँ, जहाँ तक मुस्लिम पॉपुलेशन का सवाल है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ज़्यादातर गरीबी और अशिक्षा के कारण बढ़ रही है। जितने परसेंटेज में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने ही परसेंटेज में आदिवासी और दलितों के भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब किसकी कितनी पॉपुलेशन है वो उसके भी आंकड़े मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में दिए हैं, अलग अलग लेखों में दिए हैं, और ये भी आपको बता दूं कि मुस्लिम में जहाँ एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ने का ट्रेंड है, दूसरी तरफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करने का भी टेक्निक है। तो ऐसा कहते हैं कि 2070 तक मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 20% तक स्टेबलाइज हो जाएगी। हाँ, ये नूरजहां दीवान हमारे मित्र पूछ रही हैं 370 जाने से क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर के लोग अभी चुपचाप पड़े हैं, उनके लीडर्स जेल में हैं, किसी को निकाल आने नहीं दिया जा रहा, तो मैं तो उसको कोई फायदा देखने, मैं तो उसकी आलोचना करता हूँ। आनंद वाजपेयी जी पूछ रहे हैं व्हाई कांग्रेस फेवर्स मुस्लिम्स? अब ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है कि कांग्रेस फेवर्स मुस्लिम्स। निश्चित रूप से शुरुआत में कांग्रेस ने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट लीडर्स की कुछ मांगों को मांगा माना, जैसे शाहबानों के केस में और दूसरे केस में मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट लोगों की माना, पर कांग्रेस के शासन के दौरान भी मुस्लिम लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा की हालत पहले से बिगड़ती गई। कांग्रेस ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, अगर कांग्रेस थोड़ा सा मुसलमानों की आर्थिक उन्नति और उनकी सामाजिक उन्नति के लिए काम करती तो शायद यहाँ की सांप्रदायिकता पहले से कमज़ोर होती। इन योर ओपिनियन व्हाट मे बी द मेथड टू क्रिएट लार्जर पब्लिक कॉन्शियसनेस अगेंस्ट फंडामेंटलिज्म? राजीव रंजन जी का सवाल है कि इस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बड़ी सांप्रदायिकता, देखिए फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मेरे ख्याल से तो एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये आंदोलन आज क्योंकि लोकतंत्र का स्पेस वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो ये आंदोलन पहले से कमज़ोर हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी हैं जो इसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर निश्चित रूप से यहाँ एक आपका जो विचार है कि फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, वो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो या हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, इनके खिलाफ लड़ने की, इनके खिलाफ मुकाबला करने की ज़रूरत है सैद्धांतिक आधार पर, तभी मेरे ख्याल से हमारे देश की प्रगति होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान के मूल्य आ सकेंगे। इसको एक आंदोलन देने की ज़रूरत है। ये आंदोलन वैचारिक ट्रेनिंग से शुरू होगा, वैचारिक ट्रेनिंग से शुरू होगा, समाज के कार्यक्रमों में इंटर कम्युनिटी प्रोग्राम्स होना चाहिए, पीस सेंटर्स बनना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए, फिल्में दिखाना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए, जिसमें जैसे अनाथ बहुत सारी चीज़ें इनमें से कर रहा है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहिए। पर सवाल यह है 126 करोड़ के देश में ये जो हमारी कोशिशें हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के जैसी हैं, समुद्र में एक बूंद की तरह है। हमारी कोशिशों में बहुत बड़ी वृद्धि होना चाहिए तभी हम इसका मुकाबला कर सकेंगे।
क्या विनोद पठान पूछते हैं क्या मॉब लिंचिंग कायदा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए। मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी ये कानून बनने की प्रक्रिया चालू है, और क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार से लोगों को मारा जाता है, इसलिए उसके खिलाफ कानून बनना बहुत ज़रूरी है। वाई डिड सरदार पटेल डिड नॉट बिकम PM? बहुत अच्छा सवाल है। सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? अब देखिए, उस समय जनता का जो मैंडेट था वो महात्मा गांधी के पास था। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों देखते थे, उसके 3 कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है, महात्मा गांधी देखते थे कि जवाहरलाल नेहरू को पूरी दुनिया की समझ है, कि जबकि वल्लभ भाई पटेल वो देश के चीज़ों को बहुत गहराई से समझते थे, पर दुनिया से उनका उतना सरोकार नहीं था। दूसरा, वो देखते थे कि जनता में लोकप्रियता नेहरू की ज़्यादा है, ये बात सभी मानते थे। और तीसरी बात, उम्र का भी तकाजा है। उम्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गांधी की उम्र के करीब में थे, पंडित नेहरू से बहुत बड़े थे। तो शायद गांधी के दिमाग में ये भी बात हो कि जो प्रधानमंत्री बने कुछ सालों तक देश की नैया को चला सके, ताकि सर देश अच्छे से चले। और चौथी बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि नेहरू और पटेल के संबंध बहुत घनिष्ठ थे। दोनों अपने आप को महात्मा गांधी का चेला कहते थे, और सरदार पटेल का लेटर था, लेटर है कि जवाहर जवाहर, उनको वो जवाहर कहते थे, जवाहर मेरा भाई भी है और मेरा लीडर भी है। हम दोनों ने अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों पर बैठकर राजनीति सीखी है। तो इन दोनों में के बीच में अंतर विरोध पैदा करना एकदम गलत है, अपने आप में सांप्रदायिक कदम है। ठीक है, तो शबनम कह रही है कि बाकी सवाल मेरे YouTube की वीडियो को देखें, और मेरा ईमेल आईडी भी है ram.puniani@gmail.com, उस पर भी आप सवाल भेजेंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बाकी काम तो मैं अनहद का भी हिस्सा हूँ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म का भी हिस्सा हूँ, ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का भी हिस्सा हूँ, पर हमारे काम बहुत छोटे छोटे हैं। तो हमारे काम को बढ़ाने के लिए आप सब लोगों को जुड़ने की बहुत ज़रूरी है। और ये अंतिम सवाल बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। RSS का इसराइल और भारतीय पूंजी की सांठगांठ का जो मामला है, ये सही है, चिंताजनक है, पर किया क्या जाए, राजनीतिक तौर पर हम बहुत कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, क्योंकि वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, आपने 1 घंटे तक सुना मुझे, और आपके सवालों का मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया। मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए और उस पर आप जवाब दीजिए, और आपके कई सवालों के जवाब मेरे यूट्यूब वीडियो पर हैं, और उस चैनल का नाम है डॉक्टर राम पुनियानी। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्लैड।